तीनों की गति एक, कोटि जतन प्रमोदिए तू न छाड़े ते कबीरा। ज्ञान सी भरी है तेरी वाणी कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। नुगरे आदमी, सुअर और कुत्ते तीनों की आदत एक जैसी होती है। इन्हें लाख बदलने की कोशिश करो लेकिन वे अपनी हट नहीं छोड़ते, इसीलिए इन पर ज्यादा अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, अच्छा गुरु नुगरे आदमी को भी गुणी बना सकता है। वह राम नाम का महामंत्र देकर उसका खोटे से खरा बना सकता है, इसलिए गुरु का अच्छा होना परम आवश्यक होता है। झगड़ा भला ना सावा कट सो में कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी कहते हैं, घी को देखकर ही मन खुश हो जाता है लेकिन तेल मुंह में डालकर भी बेस्वादा लगता है। उसी प्रकार सज्जन लोगों से झगड़ा भी सुखकर और निर्णायक हो सकता है, जबकि निर्गुण से झगड़ा तो दूर, मेल मिलाप भी हानिकारक हो सकता है। हरिजन की लाता भली बूढ़ी साकट बात, कालों में सुख उपजे बाहे इज्जत जात। कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। कबीरदास जी कहते हैं, संत महात्मा और हरि भक्तों की तो लाते भी आशीर्वाद की तरह हो सकती है, जबकि नुगरे लोगों की बातें भी घातक, क्योंकि निर्गुणी का साथ भी बदनामी का कारण बनता है, जबकि संतों का क्रोध भी सुखदायक। सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु ना जर मरता संसार। कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी वाणी कबीरा, ज्ञान से भरी है तेरी। कबीरदास जी कहते हैं, साधु जन शुक्ल वृक्ष के समान है, जिनके फल सत्य ज्ञान के समान और वाणी मन को हरने वाली है। यदि संसार में साधु जन नहीं होते तो यह अज्ञान की आग में जलकर राख हो जाता।
बड़े परमार्थी घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनो पारस लाए। कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी, कबीरा ज्ञान से भरी है तेरी वाणी। जैसे बादल उमड़ उमड़ कर आते हैं और सबकी प्यास व तपन शांत करते हैं, वैसे ही साधु भी बड़े परोपकारी होते हैं, जो अपने पार्श तुल्य स्पर्श से लोहे को भी स्वर्ण यानी कि सोना बना देते हैं।